इंडिया, ये कंट्री जितनी खूबसूरत है ये उतनी ही मिस्टीरियस भी है। वो इस वजह से क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया के हर स्टेट ने अपने अंदर कुछ ना कुछ राज छुपा कर रखे हैं। चाहे वो कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी हो, या महाराष्ट्र की लूनार लेक हो, या कश्मीर की उधमपुर आर्मी क्वार्टर हो। और आज मैं आपको इंडिया के टॉप मोस्ट अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। ये गांव राजस्थान के जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये गांव श्रापित है। वो इस वजह से कि तकरीबन 200 साल पहले जब इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, तो उस वक्त राजा महाराजा का दौर हुआ करता था। तो सलीम सिंह जो जैसलमेर का दीवान था, उनकी नज़र इस गाँव की एक लड़की पर पड़ जाती है जिसे वो किसी भी हाल में हासिल करना चाहते हैं। और वो गांव वालों को कहते हैं कि अगर वो लड़की उन्हें नहीं मिली तो वो इस गांव में बहुत बड़े टैक्स लगा देंगे, जिसकी वजह से अगले ही रात उस गांव के तमाम लोग अपने घर और सारे सामान छोड़कर चले गए, और जाते जाते इस गांव को शापित कर गए कि इस गांव में अब कभी भी कोई नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ये गाँव अब भी श्रापित है और आज तक कोई भी इस गाँव में नहीं रहता है। और जो भी रहने की कोशिश करता है उसकी बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। किंग अशोका ने 273 BC में कलिंगा की लड़ाई में अपने 1,00,000 लोगों को खोने के बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने 9 लोगों को रखा, और ये कहा जाता है कि ये 9 अननोन मैन दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान लोग थे। वो इस वजह से कि इन 9 लोगों में से हर एक के पास डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज थी, चाहे वो टाइम ट्रेवलिंग से रिलेटेड हो, या मैक्रोलॉजी से रिलेटेड हो, या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से रिलेटेड हो। लेकिन आज तक वो 9 लोग अनआइडेंटिफाइड लोग हैं, और आज तक किसी को भी पता नहीं कि वो 9 अननोन मैन कहां गायब हो गए, और ये आज भी इंडिया के टॉप मोस्ट अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से एक है। हैदराबाद के आसिफ जान डायनेस्टी के आखिरी और सातवें निज़ाम मीर उस्मान अली खान अपनी रहन सहन और ज्वेलरी कलेक्शन की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे, और 1937 को टाइम मैगजीन ने मीर उस्मान को दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी कहा था, और ये समझा जाता है कि वो अब तक के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन हिंदुस्तानी भी रहे हैं। पर इनकी मौत के बाद इनके सारे ज्वेलरी कलेक्शन और इनकी पर्सनल वेल्थ किसी को भी नहीं मिली है, और ये ख्याल किया जाता है कि किंग कोठी पैलेस में अंडरग्राउंड चैम्बर में छुपा के रखा गया है। मीर उस्मान अली खान की टोटल नेटवर्थ 213 बिलियन $ की है। ये भी प्लेस इंडिया के टॉप मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। वो इस वजह से कि यहाँ के लोगों के मुताबिक इस जगह पे सीक्रेट एलियन बेस कैंप है, और यहाँ के लोग UFO को देखने का दावा भी करते हैं। वैसे मैं बताता चलूँ कि कोंगाले पास ये वही जगह है जहाँ पे 1962 को इंडियन सिनो वॉर हुआ था। कोंकाले पास के लोगों का कहना है कि इन लोगों ने यहाँ रात के वक्त बहुत सारे उन्हें और चमकने वाली चीज़ें भी देखी हैं, और इंडियन और चाइनीज गवर्नमेंट ने इस जगह पे आम लोगों को आने पे पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से इस जगह पे अब कोई भी आता जाता नहीं है। वेस्ट बंगाल जो अपनी खूबसूरती और खाने पीने की वजह से फेमस है, वहीं ये कुछ भूतिया घरों और दूसरी भूतिया चीज़ों की वजह से भी फेमस है, और उन्हीं में से एक है ये मिस्टीरियस लाइट। वेस्ट बंगाल के दलदली इलाकों में इस तरह के लाइट का दिखना एक आम सी बात है। इस लाइट को आलिया या जैक ओ लैंटर्न भी बोला जाता है। ये लाइट एक चमकती हुई बॉल के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस तरह के लाइट वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की दलदली इलाकों में दिखाई देते हैं। ये लाइट तब उन लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है जब कोई इसके पीछे जाता है। एक नज़र में देखने से ये लाइट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, और कोई भी शख्स इस लाइट के पीछे चला जाए, लेकिन जहाँ कोई इसके पीछे जाता है वो डायरेक्ट दलदल में ही धंसता चला जाता है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये लाइट उन मछुआरों की आत्मा है जो इस दलदल में डूबकर मर गई थी। ये लाइट अक्सर मछुआरों को पानी में दिखाई देती है। कभी ये लाइट उन मछुआरों को पानी में डुबा देती है, तो कभी ये लाइट उन मछुआरों को खतरे में पड़ने से रोक भी देती है।
तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें वरना डिसलाइक करें, और कमेंट में एक रीज़न बताएं कि आपने ये डिसलाइक क्यों किया। अगर मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।